के मौसम में अक्सर हमारा शरीर के ऊपर रूखापन, बाल रूखे होने लग जाते, जोड़ों में दर्द होता और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती। कुदरत ने हमारे को कुछ ऐसी वनस्पतियां दी हैं जो हमको इस बीमारियों से व अन्य शरीर स्वस्थ रहे और किसी और प्रकार की कोई बीमारी हमको घेरे नहीं, उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। मगर हम उसकी शुद्धता, उसके महत्व को पूरा समझ नहीं पाते। अक्सर हमने सुना कि तेल का प्रयोग करना चाहिए। क्या हमें मालूम है कि तेल शब्द कहाँ से बना? एक खाद्य पदार्थ होता है जिसका नाम तिल है। ये तिल सफेद होते हैं, लाल और काले रंग के। इन तिल का जब तेल निकाला तो उसके व्युत्पत्ति से ये तेल शब्द बना। हम तेल, कई प्रकार के तेलों को जो तरल पदार्थ होते हैं उनको तेल कहते। असल में जो देखने में आता है कि तिल का तेल ही तेल हो। तिल के तेल में क्या होता है या तिल में क्या हो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि तिल खाने से या तिल के तेल का प्रयोग करने से कई प्रकार की हमारी बीमारियों का नाश होता है और अगर कोई हम प्रयोग करते रहें तो किसी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश तक नहीं कर पाती। तिल के तेल में भरपूर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, फैटी एसिड, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड इत्यादि बहुत सारे मिनरल्स जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई इसमें होते हैं, जो हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, बालों में और शरीर के अंदर खुश्की का होना, चेहरे के ऊपर झुर्रियां आना, टेंशन में रहना या अवसाद, जिसको आदमी इंसान जो है बार बार अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है, कई बार नींद नहीं आती, एनीमिक पेशेंट, और अब तो यहाँ तक रिसर्च आ गई कि कई प्रकार की कैंसर में भी ये तिल बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। सर्दी के दिनों में तिल के लड्डू शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा सा। तिल का तेल अगर हम अपने शरीर पे मालिश करें तो हमारा शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती। खास तौर पे जो शिशु हैं उनकी मालिश तो तिल के तेल से। सवाल ये पैदा होता कि तिल का तेल शुद्ध कहाँ से मिले? कोई अच्छी कंपनी जो इसका तेल बनाती स्टैंडर्ड हो और किसी प्रकार की गारंटी देती हो, अन्यथा खुद अपने तिल का तेल कोल्हू वाले से निकलवा लें, क्योंकि ये तिल का तेल कभी खराब नहीं। इसको कई टाइम तक, तिल का तेल एक हमारे लिए अनमोल अमृत है। इसका प्रयोग सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बट अगर इसको सारा साल भी अगर प्रयोग करेंगे तो आप कई प्रकार ऐसी प्रिकॉशंस। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि जब आप बीमार हो जाओ तो दवाई। आयुर्वेद ये बताता है कि जो वनस्पतियां, जो चीजें हमारे को कुदरत ने, भगवान ने प्रोवाइड करी हैं, उनकी शुद्धता के साथ हम प्रयोग करते नहीं अपने रूटीन में तो हमारे पास बीमारियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता, बीमारी होगी ही नहीं। इसीलिए हम आयुर्वेद बताई हुई महत्वपूर्ण चीजों को इस चैनल के माध्यम से आपको आशा करता हूँ छोटी छोटी बातों की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इनको अपने फ्रेंड सर्कल में चाहे तो शेयर कर सकते हैं। आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले